नायब सैनी ये कहते हैं कि हम 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देखिए, नायब सैनी जी की पार्टी 2019 में भी कहती थी 75 पार 75 पार 45 35 गट की ना, इब 10 में से उसी परसेंटेज घटा दो, इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है। और अभी 5 स्टेटों के रिजल्ट आने दो, उसके बाद जो प्रगति होगी बीजेपी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी बढ़त हो रही है। और इसके आने के बाद ये बीजेपी तो ऐसे खिलरेगी जैसे तूड़ी बिखरती है आंधी में, कहाँ रहेगी पार्टी, नहीं बचेगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों का तो वैसे विश्वास उठ गया इस पार्टी से, ये विश्वासघाती लोग हैं, वायदा खिलाफी करी जनता के साथ, तो इनके कुछ नहीं है। तो नायब सैनी क्या कहते हैं बेचारे, वो टोटे में प्रधान बना दिए। सर, अगर बात की जाए इनकी जो पनौती को लेकर अभी नोटिस दिया गया राहुल गांधी को, तो क्या लगता है बीजेपी वाले सुख घुघाट में है, क्या लगता है? देखिए, जो कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लड़ाई में, खेल में, कबड्डी में, कुश्ती में हार जाते हैं, तो फिर फाउल खेलना शुरू कर दें। तो मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार हार चुकी है, इसलिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। पनौती जो बात कही है, हालात उस वक्त इसी तरह के थे, को राहुल जी ने पनौती नहीं कहा, नाम नहीं लिया, ये तो जो दर्शक थे, क्रिकेट प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि पनौती कहाँ से आ गया, मरवा दिया देश। देखो, उस दिन हार गई ठीक, और दूसरे तीसरे दिन फिर जीत गई, तो पनौती कह दिया तो क्या माड़ी बात है इसमें। अच्छा, मोदी जी राहुल जी के बारे में ये कैसे कह सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री है कि मूर्खों का सरदार है? क्यों, क्या भाई, क्या क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या हक है प्रधानमंत्री का, जिसको जो मर्जी बोले? इन्हें हमारी नेता सोनिया जी के खिलाफ किस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोग, दूसरे नेताओं के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, हमारे मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत थे और चाहे उस वक्त कमलनाथ जी थे, चाहे बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, सबके खिलाफ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी कि प्रधानमंत्री जी को एक मार हुआ होता गुग्गा का घोड़ा है कि जो बात जनता ने कही है, मोदी राहुल जी ने कह दी, क्या बुरी बात है इसमें? सत्य सटीक बेबाक।